अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 24 और हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो कंपोनेंट्स के ऊपर कंप्राइज करता है, एक है सीएनएस और दूसरा है पीएनएस। सीएनएस कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंट नर्व्स हैं, वो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इस सिस्टम का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं बुक को, क्या है। नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स इज कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट, नंबर वन इज सीएनएस एंड नंबर टू इज पीएनएस। सीएनएस मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज कंपोज ऑन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज कंप्राइज ऑफ नर्व दैट अराइजेज एंड स्पैड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंस बिटवीन सीएनएस एंड पीएनएस, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका स्ट्रक्चर डिटेल के साथ पढ़ते हैं, उनकी डेफिनेशन प्लस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज नर्व सेल आर न्यूरॉन। न्यूरॉन ऐसे स्पेशलाइज टिश्यू सॉरी सेल्स को कहते हैं जो नर्वस सिस्टम का यूनिट बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो न्यूरॉन्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम को कंप्राइज करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हैं सपोर्टिंग सेल्स जिनको न्यूरोग्लिया कहते हैं। न्यूरोग्लिया आर दी बेसिकली स्पेशलाइज सेल्स विच सपोर्ट टू द नर्व सेल्स विच प्रोवाइड नरिशमेंट विच आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन सेल आर नोन एज न्यूरोग्लिया। Then we can say that neurons are the special type of conducting cells which transfer message from receptor to coordinators and then coordinator to effector, यानी receptor से message लेकर coordinators को और फिर coordinator से message लेकर effectors को transport करते हैं। हम उनको नाम क्या देते हैं कि वो हमारे पास कहलाते हैं neuron cells which communicate with each other and type of body cell. Next है हमारे पास structure of neuron cell. यहाँ पर मैंने एक diagram बनाई है, this is the structure of neuron cell which is the structure of motor neuron, clear. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो neuron है उसकी main body क्या है। तो main body उसके कहते हैं cell body कहते हैं। cell body के अंदर nucleus होता है, यानी ये जो पार्ट है ये सारा सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अलावा बाकी जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम एक्सेट्रा, ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मीन ऑफ सेल बॉडी। तो सेल बॉडी की डेफिनेशन अगर हम कहेंगे तो कहेंगे द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन सेल्स लोकेटेड इनसाइड द सेल बॉडी। एंड अब नेक्स्ट हमारे पास है सेल बॉडी में से डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस निकल रहे हैं। आपको इनमें से कुछ छोटे नजर आ रहे हैं और एक लार्ज लंबा प्रोसेसेस नजर आ रहा है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इनका काम क्या है, अब ये इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। एंड डेंड्राइट्स कैरी मैसेज टू वर्ड्स द सेल बॉडी। डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड फ्रॉम सेल बॉडी, दीज आर डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। व्हाट इज डेंड्राइट? डेंड्राइट डेंड्राइट्स कंडक्ट नर्व इंपल्स टू वर्ड द सेल बॉडी, यानी इनका काम होता है मैसेज को सेल बॉडी की तरफ सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर करना। और दूसरे होता है लार्ज प्रोसेसेस ऑफ द सेल बॉडी हुज फंक्शन इज टू ट्रांसफर मैसेज अवे फ्रॉम द
cell body, which conduct nerve impulse away from the cell body, is called axon. Axon means the conduct nerve impulse away from the cell body. नेक्स्ट हमारे पास नर्व इंपल्स क्या होती है, साइड बॉक्स है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है. नर्व इंपल्स कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो के किसी भी न्यूरॉन्स के अंदर या नर्व्स में मैसेज, यानी कि मैसेज जो होता है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की फॉर्म में मूव करता है अलोंग द न्यूरॉन्स, उसको कहते हैं नर्व इंपल्स. नर्व इंपल्स क्या है, द नर्व्स wave of electrochemical chain that travel along the length of neurons. यानी एक न्यूरॉन है, इसके आगे दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, और मैसेज जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेन की वेव की फॉर्म में मूव करे, उसे कहते हैं नर्व इंपल्स. नेक्स्ट है शॉन सेल्स. एक्सॉन के ऊपर, एक्सॉन का होगा जो सेल बॉडी से मैसेज को दूर लेके जा रहा है, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सॉन. एक्सॉन जो है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के, स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या कहते हैं, श्वान सेल्स कहते हैं. क्लियर, डेफिनेशन क्या होगी, द स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड श्वान सेल. श्वान सेल का फंक्शन क्या होता है, टू सीक्रेट अ फैटी लेयर व्हिच इज इंसुलेटर व्हिच कैन नॉट कंडक्ट नर्व इंपल्स. व्हाट इज व्हाट फॉर, to increase the speed of nerve impulse, which we inshallah we will talk about in last lecture. What is myelin sheath? Myelin sheath is a specialized fatty layer which is released from Schwann cells. That is myelin sheath. यहाँ पर मैंने red color से जो बनाए हैं ये हैं Schwann cells, और उसके बाद मैंने dark blue color से बनाए हैं, इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास फैटी लेयर है जिसका नाम है, अभी मैंने बताया था, माइलिन शीट. क्लियर, माइलिन शीट जो है ये इंसुलेटर है. इंसुलेटर का मतलब ये है कि ये मैसेज को ट्रांसफर नहीं होने देती. फिर ये मैसेज जो है वो कैसे जाएगा, अब एक नोड ऑफ रेनवेयर से जंप करेगा दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर. अब नोड ऑफ रेनवेयर क्या है, एक माइलिन शीट यानी एक श्वान सेल दूसरे श्वान सेल, यानी जहां पर माइलिन शीट नहीं होगी, नॉन माइलिनेटेड एरियाज जैसे ये है, जैसे ये वाला एरिया है, ये कहलाते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर. द नॉन माइलिनेटेड एरियाज अलोंग द रेगुलर इंटरवल ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवेयर. एंड नोड ऑफ रेनवेयर इज द इंसुलेटर which is due to the myelin sheath, and myelin sheath is made up of fatty layer. अब उसके बाद मैंने लास्ट में बताया कि इनका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन होता है कि नर्व इंपल्स की स्पीड को बढ़ाना. कैसे, बाय साल्टेटरी इंपल्स. साल्टेटरी इंपल्स क्या होती है, ऐसी नर्व इंपल्स जो एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर और दूसरे से तीसरे, इसी तरह से, यानी जो माइलिनेटेड एरिया होगा वहां पर नर्व मूव नहीं करेगी, सिर्फ नॉन माइलिनेटेड एरियाज के ऊपर मूव करेगी, तो इसको, इस तरह की नर्व इंपल्स को, जिसको हम जंपिंग नर्व इंपल्स भी कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं साल्टेटरी नर्व इंपल्स. ये किस लिए होती है, ताकि नर्व इंपल्स की स्पीड को बढ़ा दे, ताकि मैसेज की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स. क्लियर हो गया, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो डिटेल के साथ रीड करेंगे. थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज.